For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. दोस्तों बात करने जा रहे हैं स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो जिसका नाम है ये है मोहब्बतें। जी हाँ, अब यह मोहब्बत से जुड़े हम एक खास अपडेट आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं, जहाँ आज हम आपको बताएंगे कि अब क्या कुछ होने वाला है इशिता के साथ और क्या है सोनाक्षी गुप्ता का पूरा राज और कैसे सोनाक्षी गुप्ता आने वाली है अब इशिता की जिंदगी में उसकी जिंदगी तबाह कर देने के लिए, जहाँ पर उसकी जिंदगी में पहले से ही कुछ भी ठीक नहीं है। और एक बार जहाँ अब रमन की तबीयत ठीक हो चुकी है तो इतने में देख लीजिए कहानी पलट चुकी है इशिता की तरफ और इशिता के साथ हो रही है एक के बाद एक घटनाएं। वहीं अगर आप बताएं आपको पिछले एपिसोड के बारे में जिसमें आपने देखा था कि कैसे इशिता जाती है उसी स्टोर रूम में भावना को ढूंढने के लिए और वो जाकर वहां पर बंद हो जाती है, जहां एकदम से ही वो देखती है भावना को और भावना निकल कर आती है, जहां पर भावना उसको बता देती है कि सोनाक्षी गुप्ता उसको नहीं छोड़ेगी। जैसे कि वो पूछती है कि आखिरकार सोनाक्षी गुप्ता उससे क्यों बदला लेना चाहती है तो वो बताती है कि उसने सोनाक्षी गुप्ता का सब कुछ बर्बाद करके उससे छीन लिया था। जहाँ अभी तक ये मालूम नहीं पड़ पाया है किसी को कि आखिरकार वो ऐसा क्यों बोल रही है और क्या है वो राज। वहीं आपने देखा रोमी रूही और अमन आकर बचा लेते हैं इशिता को और अपने साथ ऊपर ले जाते हैं, जहाँ पर फिर खाने की तैयारी होती है और साथ ही साथ अगले दिन होती है बैसाखी और उसकी भी तैयारियाँ होती हैं, जहाँ ढोल वोल वाले को बुलाकर सारे अगले दिन के लिए फिक्स कर लेते हैं। तो इतने में ही इशिता काफ़ी खुश होती है। वहीं आपने देखा दूसरी तरफ आदि और आलिया में एक बार फिर से झगड़ा हो जाता है ऑफिस में और वो लोग घर आते हैं जहां वो दोनों खाना भी नहीं खाते सबके साथ बैठकर। तो वहीं दूसरी तरफ रमन समझाता है इशिता को कि इतने में उसके पास पुलिस स्टेशन से फोन आ जाता है सोनाक्षी गुप्ता से जुड़े किसी बात के लिए, जहां वो निकल ही रहा होता है पुलिस स्टेशन के लिए कि इतने में इशिता की तबीयत हो जाती है खराब और वो नहीं जाता। वहीं अगर आप बताएं आने वाले ट्रैक के बारे में तो आपको बता देते हैं कि जहां अब एक बार फिर से सोनाक्षी गुप्ता की आत्मा अब दिखने वाली है इस बार रूही को। जी हाँ, तो सोर्सेस की माने कि इशिता नहीं बल्कि रूही से बदला लेना चाहती है वो भूतनी, क्योंकि रूही का और निखिल का जो संबंध था उन सबसे जुड़ा है ये सोनाक्षी गुप्ता का राज और आखिरकार क्या कुछ हुआ था पिछले दिनों या अतीत में ये सब खुलासा होगा जल्दी, जहाँ रूही भी अब इस घेरे में आ चुकी है। टॉप न्यूज़ की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.